रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहां पर खाना खाते समय कोई भी व्यक्ति अपना 1 से 1.5 घंटे तक का समय तो बिताता ही है। ऐसे में वो खाने की क्वालिटी के साथ साथ उस रेस्टोरेंट की बनावट और थीम से भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। भारत में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपने कस्टमर्स के खाना खाने के अनुभव को बदल रहे हैं। आइए जानें इनके बारे में। भड़ास कैफे इंदौर। अपने आप में ये एक अनोखा कैफे है। भड़ास कैफे इंदौर के चंदन नगर में है। यहाँ पर आप चाय, कॉफी, स्नैक्स, खाने के अलावा अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी चीजें तोड़ने को मिलेगी। इस कैफे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तोड़फोड़ से पहले ग्लव्स, हेलमेट और ट्रैक सूट भी पहनाए जाते हैं। इसके अलावा इस कैफे में खुलकर चिल्लाने और गालियां देने की भी छूट है। हालांकि आप जिन चीजों को तोड़ेंगे उनके पैसे देने होंगे। नेचर्स टॉयलेट कैफे अहमदाबाद। यदि किसी कैफे के नाम के साथ टॉयलेट शब्द जुड़ा हुआ हो तो इस बात पर थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन दोस्तों अहमदाबाद शहर में एक रेस्टोरेंट है नेचुरल टॉयलेट कैफे, जो अपनी ईट व्हाइल यू सीट ऑन द पॉट की थीम पर चलता है। यानी दोस्तों इस रेस्टोरेंट में खाना खाते समय कुर्सी या सोफे पर नहीं बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठाया जाता है। ये रेस्टोरेंट एकदम टॉयलेट म्यूजियम की तरह दिखता है, जिसे साल 1950 में जयेश पटेल द्वारा बनाया गया था, जिसे बेबी टॉयलेट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को लुभाने के लिए इस होटल के पास में एक टॉयलेट गार्डन भी बनाया जाता है। इस गार्डन में 1950 से लेकर भारत में अब तक अलग अलग उपयोग किए गए टॉयलेट्स का संग्रहण है। अंधेरे में खाने का स्वाद। भारत के सबसे अनोखे रेस्टोरेंट्स में से टेस्ट ऑफ डार्कनेस रेस्टोरेंट बहुत खास है। हैदराबाद का ये रेस्टोरेंट खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें अंधेरे से सबसे ज्यादा प्यार है। बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आप अपने मनपसंद खाने का स्वाद ले पाएंगे, लेकिन खाने को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्टोरेंट में रोशनी ना के बराबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाले सभी लोगों को अंधेरे में खाना खाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। साथ ही अंदर आपको अपने दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। ये रेस्टोरेंट बिजली बचाने के लिए लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गया है। न्यू लकी रेस्टोरेंट अहमदाबाद। भारत के प्रमुख अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में से एक न्यू लकी रेस्टोरेंट सबसे अजीब और अनोखा रेस्टोरेंट है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। आपको बता दें कि न्यू लकी रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। जरा सोचिए, कोई आपसे कहे कि कब्रिस्तान में बैठकर चाय पीते हैं तो सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, परंतु न्यू लकी रेस्टोरेंट कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और आज भी होटल में चाय की टेबल्स के पास ही कब्र भी मौजूद रहती है। बता दें कि न्यू लकी रेस्टोरेंट का निर्माण लगभग 50 साल पहले कृष्णन कुट्टी ने किया था। कैदी किचन चेन्नई। आपको इस रेस्टोरेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। चेन्नई में स्थित इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह एक जेल के रूप में डिजाइन किया गया है। कैदी किचन रेस्टोरेंट में कर्मचारी जेल के समान कपड़े पहनते हैं। यहाँ के मैनेजर और ऑर्डर लेने वाले जेलर की पोशाक में रहते हैं और वेटर कैदियों की ड्रेस पहनकर ही खाना सर्व करते हैं। कैदी किचन रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है और यहाँ का माहौल भी बिल्कुल प्राकृतिक लगता है। सिल्वर मेट्रो बेंगलोर। आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो ट्रेन के सफर का लुत्फ उठाया ही होगा, लेकिन अगर आपको ट्रेन में लंच और डिनर का लुत्फ उठाना है तो चले आइए बेंगलोर में स्थित सिल्वर मेट्रो रेस्टोरेंट में, जो बिल्कुल ट्रेन की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रेन में पाई जाने वाली सभी चीजें मौजूद रहती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेन में आपको खाना अच्छा नहीं मिलता, पर इस होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। हाईजैक रेस्टोरेंट। भारत के सबसे अनोखे रेस्टोरेंट में से एक हाईजैक रेस्टोरेंट एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है, जिसे एक डबल डेकर बस में बनाया गया है, जो भारत के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अपनी सेवा देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लोग बाहर के खाने के साथ साथ लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं। वेरी लेक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट।
भारत की प्रमुख अनोखी और दर्शनीय रेस्टोरेंट में से एक वैली लेक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जो कि असम के त्रिवेंद्रम में स्थित है। झीलों के बीच में बना हुआ यह रेस्टोरेंट बहुत ही आकर्षक है। इस रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए आपको पानी में तैरते हुए पुलों को पार करना पड़ता है। झील के बीच में बैठकर भोजन करने का अलग ही आनंद होता है। आप एक बार इस जगह पर जरूर आए। द बार स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। मुंबई में स्थित द बार स्टॉक एक्सचेंज होटल बहुत ही अनोखा होटल है। इस होटल में आपको पेय पदार्थ मिलते हैं। जब बार ओपन होता है तो बहुत ही कम कीमत की ड्रिंक मिलती है, और जैसे जैसे दिन का समय बढ़ता है और ड्रिंक्स की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ने लगती है। शेयर मार्केट के जैसा ही इस बार का बिजनेस है, इसलिए इसका नाम द बार स्टॉक एक्सचेंज रखा गया है। जैसे जैसे स्टॉक कम होगा, ड्रिंक की रेट बढ़ती जाएगी। सेवा कैफे अहमदाबाद। भारत के प्रमुख होटल्स में से एक सेवा कैफे है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये कैफे लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले अतिथियों का स्वागत आरती की थाली के साथ कुमकुम का तिलक लगाकर किया जाता है, और जब लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद बिल नहीं दिया जाता, बल्कि बिल के बदले में एक खाली लिफाफा दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है, आप अपने दिल से पे करें, जितना भी आप अपनी खुशी से देना चाहें वो पैसे दे सकते हैं। फॉरेन हाइट मुंबई। मुंबई शहर में बसा खूबसूरत होटल 21 फॉरेन हाइट बहुत ही आकर्षक है। मुंबई में सर्दियां बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस होटल को डिजाइन किया गया है। इस होटल का तापमान 21 डिग्री या उससे भी कम रहता है। इस होटल में खाने की सभी बर्तन बर्फ से बने होते हैं। बर्फ के बर्तनों में खाना खाने का विचार कभी आपके मन में आया ही नहीं होगा। बर्तनों के साथ साथ यहाँ की कुर्सी, टेबल, सभी कुछ बर्फ का बना होता है। इस शानदार जगह पर घूमने आने का प्लान तो एक बार जरूर बनाना चाहिए। क्रॉस कैफे मुंबई। भारत के प्रमुख खास होटल्स में से एक मुंबई में स्थित क्रॉस कैफे है। इस कैफे को हिटलर क्रॉस के नाम पर नाम दिया गया था। हिटलर के बारे में आप सभी तो अच्छे से जानते होंगे, और इस बात से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस होटल का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि हिटलर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था, और इस होटल में भी उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है। बेंगलोर का गुफा रेस्टोरेंट। जैसा कि नाम में ही इसकी थीम छुपी हुई है, इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को गुफा में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। इस गुफा वाले रेस्टोरेंट की बनावट कुछ अलग ही है। इसमें छत बेहद नीचे है, हर तरफ चट्टानी दीवारें हैं, दीवारों से लटकते नकली मसाले, डरावने जाल, और यहाँ की लाइटिंग किसी भूत प्रेत की मूवी से कम नहीं लगती। मुंबई में भाईजान रेस्टोरेंट। अगर आप सलमान खान के बहुत बड़ी फैन हैं, तो अपनी रेस्टोरेंट लिस्ट में इस कैफे को जरूर शामिल करें। यहाँ आपको मेन्यू कार्ड पर डिशेस के नाम भी सलमान की फिल्मों और गानों पर मिलेंगे। जैसे अंदाज अपना अपना, एक गरम चाय की प्याली हो और सलाह में सैंडविच। हवाई अड्डा रेस्टोरेंट लुधियाना। पंजाब के शहर लुधियाना में आए हैं तो हवाई अड्डा रेस्टोरेंट आ सकते हैं। यह रेस्टोरेंट बहुत ही यूनिक है। इस होटल को बनाने के लिए कबाड़ हो चुके एयरबस 320 तैयार किया गया है। बताया जाता है कि इस विमान को लुधियाना लाने के लिए 4 बड़े ट्रकों का सहारा लिया गया था। इस हवाई अड्डा विमान में 180 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन अभी सिर्फ 70 लोगों के बैठने का ही इंतजाम किया गया है। यहाँ पर बेकरी, कैफे और पार्टी हॉल भी है। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है। रोबोटिक थीम रेस्टोरेंट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के टोंक रोड पर AI बेस्ड रोबोटिक थीम रेस्टोरेंट खुला है। इस खास रेस्टोरेंट में ग्राहकों का वेलकम करने से लेकर खाने का ऑर्डर लेने और परोसने तक का काम रोबोट करते हैं। इतना ही नहीं, ये रोबोट आपकी फोटो भी खींचेंगे और उसे आपके मोबाइल पर भी भेजेंगे। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो खूबसूरत सी महिला रोबोट कस्टमर का स्वागत करेगी। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल। इंडियन रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेल रेस्टोरेंट
खोला है। इसका नाम रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रखा गया है। इस रेस्टोरेंट को दो पुराने मेमू कोच को मिलाकर बनाया गया है। ये रेस्टोरेंट रेल यात्री और आम जनता दोनों के लिए खुला रहेगा। यहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना मिलेगा। प्रैंकस्टर कैफे गुरुग्राम। अगर आपको कॉलेज का फील लेना है तो आप इस कैफे पर आ सकते हैं। यहाँ आपको लाइब्रेरी, साइंस लैब जैसा माहौल मिलेगा। ये कैफे सेक्टर 29 में स्थित है। आप जब इस कैफे में एंट्री करेंगे तो आपको कॉलेज की लाइब्रेरी जैसी फील आएगी। रेक में किताबें रखी हैं, टेबल के लैंप होल्डर में भी किताबें हैं। वहीं यहां बने बार को लॉकर रूम का लुक दिया गया है।